हम छत्तीसगढ़ में 10 लाख सदस्य बनाने का टारगेट रखे हैं, फरवरी तक हम पूरा करेंगे ऐसा हमें उम्मीद है। अप्रैल माह से नई तैयारियों के साथ हम 2023 के चुनाव में जाएंगे। तो हम चुनाव के बाद क्या नियुक्तियां ग्रामीण स्तर की अलग होंगी, शहर स्तर की अलग होंगी, क्या कैसी प्रक्रिया रहेगी? देखिए अभी तो प्राथमिक स्तर है, वो तय करेंगे पीआरओ एपीआरओ, वो तय करेंगे कि कैसे नियुक्तियां करना है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है नहीं। शहर का क्षेत्र का विस्तार हो गया है, लेकिन आपका शहर अध्यक्ष वही छत्तीसगढ़ में है। देखिए हमारा शहर अध्यक्ष जब से नियुक्तियां हुई है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं और हमें लगता है उन्होंने जो सवाल ये नहीं है। देखिए मैं मान रहा हूँ आपकी बातों को भी, मैं समझ गया आप कहना क्या चाहते हैं वो समझ गया, और जो दिशा निर्देश है अभी जो बूथ कमेटियाँ बनेगी और जो अभी सदस्यता अभियान चलेगा उसमें उसका रिजल्ट देख लीजिए, बहुत अच्छा काम होगा। ये संगठित चुनाव विधानसभा चुनाव के पहले होंगे क्या? वैसे जो ACC की जो गाइडलाइन है, जो चुनाव आयोग है जी, मुझे लगता है कि चुनाव या फिर प्रक्रिया तो वही है, या फिर मनोनयन होगा या फिर चुनाव होंगे। सदस्य है प्रदेश में अभी तक मेरे बनने के बाद 4 लाख से ऊपर, जो जब से हमने शुरुआत किया है वो शुरुआत हो गई है, हम लोगों का 10 लाख का टारगेट है, 50,000 हमने बुक बांटा है, लगभग पूरी हुई है, अगर सभी बुक आ जाते हैं तो 12 लाख से अधिक हमारे सदस्य हो जाते हैं, तो हमें लगता है वो पूरा लक्ष्य हम ज्यादा पूरा करेंगे। देखिए अभी जो डिजिटल सदस्यता अभियान चला रहे हैं उसमें फर्जीवाड़े की कहीं भी एक रति भर भी संभावना नहीं है। ऐसे ही भाजपा ने अपना 40 लाख टारगेट पूरा किया था, आपने 10 लाख टारगेट किया है, क्या उसी दिशा में आप जा रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी मिस कॉल के माध्यम से सदस्य बनाए थे और यहाँ की जनता ने उनको मिस कर दिया, इसलिए मिस कर दिया, आप सबको पता है 54 लाख उन्होंने सदस्य बनाए थे और छत्तीसगढ़ में मात्र 34 लाख उनको वोट मिले थे, इसका मतलब साफ है वो फर्जी तरीके सदस्य बनाए थे। 3 साल के अंदर ही प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति बहुत गहरा आक्रोश है, सवाल पूरा होने दीजिएंगे, UPA की सरकार भी इसी तरह से गई क्योंकि योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंची, क्या भूपेश सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचा पा रहे हैं? देखिए हमारी सरकार की नीतियों उपलब्धियों योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, आपने देखा होगा अभी 15 नगरीय निकाय चुनाव हुए और 15 नगरीय निकायों में सभी में लगभग हम लोग जीत लिए, शहरों में अक्सर कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहता है, प्रभाव रहता है, उस मिथक को भी हमने तोड़ा है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री बाहर बंटवारा कर रहे हैं और यहाँ की जनता तरफ है। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास कुछ मुद्दे नहीं, इसलिए अनर्गल मुद्दे जनता के बीच में, किसान यहाँ मर रहे हैं और देखिए मुआवजा उधर लखीमपुर खीरी में बट रहा है। देखिए यहाँ के किसान हो, मजदूर हो, आम जनता हो, आज पूरा देश की पहली सरकार है कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, 20,000 करोड़ में 97 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही है, 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद नहीं पाई 15 सालों में एवरेज, मगर छत्तीसगढ़ का किसान मजदूर बेरोजगार आम जनता खुश है, यहाँ का व्यापारी खुश है। आदिवासी नाराज है कि भाजपा के काल में भी आदिवासियों से अन्याय हुआ, कांग्रेस के काल में भी अन्याय हुआ, यहाँ तक कि नंद कुमार साय ने कहा कि मुख्यमंत्री हम आदिवासी का बनना चाहिए, हमको बनने नहीं दिया। देखिए 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो मैं नंद कुमार पटेल जी और भारतीय जनता पार्टी नंद कुमार साय, मैं साय जी से मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने मांग क्यों नहीं की? वो चाहते तो रमन सिंह की जगह नंद कुमार साय जी बन जाते, कुछ समय क्यों नहीं मांगे? जब सत्ता जाने के बाद उनको जो तकलीफ होती है, आज जनता कांग्रेस पे विश्वास कर रही है, कांग्रेस के नीतियों पे विश्वास कर रही है और हमें लगता है कि कांग्रेस आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं। देखिए हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ये सिर्फ कह देने से कुछ नहीं, नहीं सरकार की नहीं होना चाहिए कि नहीं, ये तो हाईकमान तय करता है, हाईकमान तय करती है कौन बनेगा। नहीं आपकी सरकार की बात नहीं है, मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं, एक आदिवासी की पीड़ा थी। मैं कहा ना ये हाईकमान तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। थैंक यू। एक आदिवासी की पीड़ा है कि मुख्यमंत्री नहीं बने, जब पीड़ा थी 15 साल उस समय उसकी पीड़ा नहीं निकली क्या? 15 साल में अगर उसकी पीड़ा निकल जाती तो शायद उसका कुछ भला हो जाता। थैंक यू।